सबको प्रणाम नमस्कार। बड़ा मुझे बेहद खुशी है मुझे आज जो सम्मान मिला, मुझे मालूम नहीं मैं कितना इसका हकदार हूं, मगर मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं बकलीवाल साहब और उनकी फैमिली से, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है। मैं फिर भी कहता हूं सारी जिंदगी करीब 72 इयर्स हो गए मुझे बजाते हुए, मुझे आज मैंने ये जाना कि कुछ जाना नहीं, मैंने कुछ सीखा नहीं, इससे सत्य कुछ नहीं होता है। स्वर्गीय शरण रानी जी आज हमारे बीच में नहीं है, मेरे साथ बहुत उनका संपर्क रहा, लगाव रहा, और सबसे आखिर में जब मुलाकात हुई हमारे सुमति मुदतकर जी के घर पे आए थे, जब बोले मैं बहुत बीमार हूँ, तो हम लोगों ने इसको यकीन नहीं करा क्योंकि कुछ थोड़े दिन में वो चले जाएंगे हमें छोड़ के। उनके बारे में इतने बड़े बड़े कलाकारों ने जो कुछ कहा है, उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रखा नहीं गया, छोड़ा नहीं गया। कलाकार उसके शरीर चले जाते हैं मगर जिंदा रहते हैं संगीत में, वो आज भी हमारे बीच में है, उनके संगीत के जरिए हमारे बीच में है, और जो जगह उन्होंने प्रतिष्ठा की अपने के लिए, अपने लिए, एक काबिले तारीफ तो है ही है, मगर इट्स अ रेयर थिंग टू हैपन ऑन एनीबडीज लाइफ। एंड शी गेव ए नेम, ए न्यू नेम टू सरोद, एंड ऑल्सो गेव ए न्यू नेम टू हर ऑल्सो। She was such a great artist, and I remember it was in the year 1949 at Tansen Sangeet Sammelan Calcutta में होते थे। मैंने मुझे याद इसलिए और है कि 48 में मैं बजा के मुझे पहला इनाम मिला था कॉम्पिटिशन में। वो एक वक्त था जो हम ऐसे, जैसे अपने पद्मा बहन ने कहा कि टैगोर के भाषा में, तुम्हें कैमोन करे गान करो हे गुनी हमी अबाक हुए सुनी। जब वो बजा रही थी हम सोच रहे थे कैसे एक लेडी ऐसे बजा सकते हैं मर्दाना साज, कि सरोद के बारे में कहा जाता है मर्दाना सितार को कहा जाता है कि इसके ऑपोजिट, और इसलिए शायद उस्ताद अली अकबर खान साहब और पंडित रविशंकर जी का डुएट इतने सक्सेसफुल रहा, जो एक डायलॉग होते थे, आपने ना केवल सरोद को अमर कर दिया, खुद अमर है ही है, रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें, उनका आत्मा को शांति मिले, और दुआ दे सबको कि संगीत की तरक्की हो और उनकी संगीत जिंदा रहे। धन्यवाद। प्रतीक हमें मदद करें, क्योंकि मैंने कहा कि उम्र भी हो चुके हैं, थोड़े से साथ चाहिए इस उम्र में।
और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारे मुश्ताक साहब बैठे हैं, राशिद भाई। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। तो हम लोग राग रागेश्वर प्रस्तुत करने जा रहे हैं।